जय हिंद। तो दोस्तों देखो, अभी रात के बज रहे हैं, लगभग 11 बज रहे हैं। और हुआ ये है कि आज एक यूपी से एक बच्ची आने वाली थी, तो उसका क्या है कि एक बार उसका टिकट मेरे पास में आ गया था। तो वो यूपी से जयपुर तक शाम ये 4:30 के बजे के आसपास की उसकी ट्रेन है, लेकिन उसके बाद से उसका क्या कि फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो अब हमको भी परेशानी हो रही है, तो अब उससे कैसे कनेक्ट करें ये बहुत ज़्यादा समस्या हो गई। तो अभी 11:30 उसके बाद में जयपुर से यहाँ की ट्रेन आती है जो 10 बजे के आसपास आती है। तो मैं रेलवे स्टेशन जाके आया हूँ जस्ट, तो रेलवे स्टेशन पे वो बच्ची आई नहीं, और अब उसका टिकट भी कंफर्म है, प्लस वो पिछले 2 दिन से कनेक्ट में है कि हाँ भाई वो आ रही है पक्का। ये है बस स्टैंड, और बस स्टैंड पर वो बच्ची, अभी उसी बच्ची का कॉल आया। देखिए अभी जस्ट उसका फ़ोन चालू हुआ 10 मिनट पहले, तो बात हुई एक बार उसी का कॉल आया। हाँ बेटा, हाँ बेटा कहाँ पहुँचे? हाँ मैं बस स्टैंड पे वेट कर रहा हूँ आपका। ठीक है, तो इस बच्ची का क्या हुआ कि इसका फ़ोन अभी जस्ट 10 मिनट पहले चालू हुआ, और इसने अब बताया कि सर मैं रोडवेज से आ रही हूँ यानी बस से आ रही हूँ, और जबकि मैं पिछले आधे घंटे से रेलवे स्टेशन पे वेट कर रहा हूँ, क्योंकि 10 बजे वाली पूरी ट्रेन को देखा पूरी की, भाई कोई ऐसा नहीं हो, कोई हो सबसे पूछा, तब जाके अब यहाँ आया हूँ। और अभी उसका 10 मिनट पहले कॉल आया कि सर मैं रेलवे यहाँ किसी से फ़ोन किया, किसी और के फ़ोन से, फिर उसका फ़ोन शायद चार्ज करके उसने कॉल किया, तो अब वो आने वाली है, अब वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है दूर के क्षेत्र में, लेकिन आप चिंता ना करिए, हम 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। और जब मैं वहाँ से निकला तो भी अपनी गाड़ी एक रेलवे स्टेशन पर भी थी, अभी जब उसने क्लियर कर दिया तब मैं आया हूँ। और उसने एक बात और बोली कि सर आप ही आओगे, क्योंकि मैं रेलवे स्टेशन पर था, कहा कि आप आओगे, तो मैंने कहा बेटा बस स्टैंड पे तो हमारी गाड़ी है, तो बोला नहीं सर आप आओगे तो ही मैं जाऊंगी, नहीं तो जाऊंगी नहीं। तो उसके लिए मैं खुद आया हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ लड़कियों के लिए मैं खुद आता हूँ, चाहे रात हो 90% रात हो या दिनों, मैं खुद लेने आता हूँ। जितनी भी बच्चियाँ आ रही है या जिनके भी पेरेंट्स देख रहे वीडियो, आप झिझक भेज सकते हैं, आप एक बार हमारे से कनेक्टिविटी हो गई उसके बाद में पूरी जिम्मेदारी हमारी है आपको रिसीव करने की, बेझिझक। आप चाहे रात को 11 बजे आएँ, 5 बजे आएँ, 4 बजे आएँ, अब वो बच्ची आएगी तो आपको उससे मिलवाऊँगा। तो ठीक है बेटा, ये आ गया। अभी जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इनका फ़ोन 7:30 बजे के बाद में स्विच ऑफ हो गया था बेटा, आपको फ़ोन है ना 7:30 बजे के बाद में हो गया था ना, उसके बाद से हम लगातार ट्राई कर रहे थे। पहले आप वहाँ पे जयपुर में रेलवे स्टेशन गए थे हैं, फिर रेलवे स्टेशन पे जाके फिर पता किया कि ट्रेन नहीं है। ट्रेन तो है बेटा एक, आपका शायद उसमें रिजर्वेशन नहीं है, इससे पहले भी एक ट्रेन निकली है 10 बजे, आपको पता नहीं। अच्छा, तो फिर इन्होंने भाई अभी बाद में ये 10 बजे आपका फ़ोन वापस ऑन हुआ था ना, 10 बजे इन्होंने वापस कॉल करके बोला कि हम रोडवेज से आ रहे हैं ना, बोले सर आप आओगे लेने तो ही जाएंगे ना। हाँ सर, ऐसा क्यों सर? आपने पहले तो वीडियो में बोला था कि मैं पर्सनली लेने आता हूँ। हाँ हाँ, मैं पर्सनली आता हूँ बेटा रात में लेने के लिए, इसीलिए तो मैं आपको कॉन्फ्रेंस में बात किया था, तो इन्होंने मेरी आवाज़ नहीं पहचानी, फिर मैंने पर्सनल नंबर से कॉल किया है। हाँ सर, पहले आवाज़ नहीं पहचानी थी। नहीं सर। हाँ, तो आ गया मैं टाइम से? हाँ सर, पहले आ गए थे, टाइम से पहले आ गया था, तो इसीलिए आपको कोई भी बच्चा था, आप अगर हमारे से कनेक्ट हो जाओगे तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, रात को 1 बजे भी आओगे तो मैं आऊँगा खुद लेने। ठीक है, आ गया ना बेटा? ठीक, हाँ सर। ओके भाई।